बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का प्रोग्राम हुआ कैंसिल, जनता में छाई मायूसी। यूपी के औरैया जनपद में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का किसान जनसभा को संबोधित करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को आना था आज एक औरैया जनपद के अचलदा ब्लॉक में एक बीजेपी के किसान सम्मेलन में जनता को संबोधित करने के लिए। कार्यक्रम में जमकर भीड़ उमड़ी थी, लोग इंतजार कर रहे थे, हेलीपैड की ओर लोग निगाहें गड़ाए हुए थे और इंतजार में लगे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष जी का। लेकिन एकाएक औरैया के जिलाध्यक्ष द्वारा घोषणा कर दी गई मौसम खराब होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए मोबाइल के माध्यम से वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस अवसर पर इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया और राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने मंच पर किसानों को संबोधित किया। रामशंकर कठेरिया ने कहा, अगर जरा भी मौसम ठीक हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं, लेकिन सभा समाप्त होने तक नहीं पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, मोबाइल के माध्यम से किया जनसभा को संबोधित। अमित कुमार शर्मा और या यादव बाहुल है, इन्हें किस तरीके से अपने पक्ष में लेने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास, जितने भी डेवलपमेंट की योजनाएं थी उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई हो, सभी को एक जैसा व्यवहार किया गया, सबके साथ एक जैसा, सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मुझे लगता निश्चित रूप से उनका भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा।